कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी अपनी आईटीज डेली ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आजकल पता नहीं मेरे को जल्दी जल्दी नहा लेने का बहुत मन करता, तो मैं जल्दी 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 नहा लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही नहा ली मैं आज जल्दी जल्दी फिर से। आज इतना गंदा सा वेदर है, मैं दिखाती हूँ आप लोग, एकदम क्लाउडी क्लाउडी, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सोच रही थी छत पे जाके फिर से आज बैठूंगी, और हमारे साइड में एक छोटी सी बच्ची रहती है, मुझे उसके साथ खेलना भी बहुत पसंद है। आज भी बेचारी आके बोल रही है, भाभी आप खेलोगे क्या? मैं बोली नहीं आज तो शायद नहीं, बिकॉज धूप ही नहीं है, छत पे जाकर फिर ठंड वगैरह लग जाएगा, तो अभी मन नहीं कर रहा है। देखो कितना ज़्यादा, मतलब एकदम क्लाउडी क्लाउडी है, कितना ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी धूप है, एकदम हल्का सा, ऐसे धूप में मज़ा नहीं आता है। उठी, थोड़ा सा एडिटिंग की, उसके बाद फिर अपलोड करने बिठाई। चलो मैं टीवी ऑन कर लेती हूँ। देखती हूँ अगर हुआ तो इवनिंग में थोड़ा सा निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं। आज ना बहुत उत्तपम वगैरह खाने का मन कर रहा है, मतलब साउथ इंडियन उत्तपम, डोसा, ये सब खाने का मन कर रहा है। देखते अगर अनिल बोला कि हाँ उसको भी खाना है, पापा से भी पूछ लूँगी, पापा मम्मी और मेरे को तो ऑलवेज पसंद है उत्तपम डोसा वगैरह खाना। एक बार पापा मम्मी से भी, मतलब पापा से और अनिल से पूछ लूँगी, अगर वो बोलते कि दोनों कि हाँ उत्तपम खाएंगे, तो फिर रात को आज उत्तपम बनाऊँगी मैं। अच्छा लगता है, कभी कभी सर हर दिन रोटी वगैरह भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी चेंज कर करके देखना अच्छा लगता है खाना। आप लोग भी सोच रहे हो ना, कोई टॉपिक नहीं है, मैं बात कर रही हूँ बकर 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 बकर। स्टार्ट हो गया टीवी। रुस्तम भी खत्म हो गया है। रुस्तम अभी फिर से मुझे ना ऐसे टाइप की मूवीज बहुत पसंद है, ऐसे फेरी टेल टाइप के, फेरीज आ जाएंगी, एंजल्स, मॉन्स्टर, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं अभी थोड़ा वही बोलते ना परियों की दुनिया में जाती हूँ, थोड़ा ये सब फेरी टेल वाला ये सब थोड़ा देखती हूँ बैठ बैठ के। उसके बाद पापा मंदिर से जब आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लंच करेंगे, तो मैं आपसे लंच में मिलती हूँ फिर। तब तक थोड़ा वही जादू, फेरी टेल ये सब थोड़ा देख लेती हूँ बैठ बैठ। कार्तिकेय माँ, हमारे फोन कॉल चिंगल, लैंडलाइन पाई नहीं, फोन हमारा फोन पाई नहीं। अभी छत पे आ गए हम लोग, मम्मी पापा आने वाले हैं, मैं पहले आ गई। पहले सोच रही थी धूप नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा धूप है, तो मैं फिर सोचती नहीं आ जाती हूँ। चलो मैं मिलवाती हूँ आपको किसी से, कोई आके यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो दिखाती हूँ मैं आपको।
वगैरह तो पी ली, अनिल भी ऑफिस से आ गए, अनिल भी बैठ के भी चाय पी रहे, मम्मी पापा गए वॉकिंग के लिए आज, अभी हम लोग, हम दोनों का वॉकिंग थोड़ा स्टॉप है, मम्मी पापा जा रहे हैं हर दिन वॉकिंग करने के लिए, सही है। तो मैं अभी उत्तपम बनाऊंगी, मैं आज अनियन उत्तपम बनाऊंगी, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा आप वो देख लो एक बार। तो उनके लिए मेरे को चाहिए होगा अनियन, यहाँ पे मैंने 3 छोटे चॉप्ड बोल सकते एकदम चॉप्ड है ये, ऐसे ऐसे पीसेस में मैंने इसको काट लिया है, ग्रीन चिलीज, टमेटोज, धनिया पत्ता। मैं यहाँ पे MTR का डोसा मिक्स यूज कर रही हूँ, ये नॉर्मल प्लेन डोसा मिक्स है, कोई मसाला या फिर रवा डोसा वगैरह नहीं है। अगर आप MTR का उत्तपम मिक्स भी यूज कर सकते हैं, बट मैं अभी डोसा मिक्स से ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को खाने में, इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और कड़ी पत्ता, आप इसका रेशियो एक बार समझ लीजिए, अगर आप एक कटोरी ये डोसा मिक्स डाल रहे हैं उसके साथ आपको हाफ कटोरी दही डालना है। मैं यहाँ पे 2.5 बोल ये MTR डोसा मिक्स डाल रही हूँ, उसके साथ मैं ये दही ऐड कर दूंगी। मैं पूरा 1 कटोरी दही इसमें ऐड कर दूंगी अभी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पहले ड्राई मिक्स करेंगे उसके बाद पानी ऐड करूंगी धीरे धीरे करके, अभी सॉल्ट वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। मैंने 2 कटोरी पानी दिया है, 2 कटोरी मिक्स्ड, 2 कटोरी पानी, अगर मेरे को फिर बाद में लगेगा तो मैं फिर बाद में ऐड करूंगी। ठीक है, इसको मैं अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट तक साइड में रख दूंगी, तब तक मैं थोड़ा मसाला को फ्राई कर लेती हूँ, इसको एक ढक्कन लगा के साइड कर दूंगी। मैंने अभी कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी इसमें मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल काफी गर्म, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड, करी लीव्स थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। मैं पहले थोड़ा सा तड़का बना लेती हूँ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। आप देख सकते हो मस्टर्ड एकदम छिटकने स्टार्ट हो गए हैं। अभी मैं अनियंस को ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा अनियन, रॉ अनियन को थोड़ा बचा के रखूंगी, एंड थोड़ा सा टमाटो को भी बचा के रखूंगी, उसे टॉपिंग के लिए अच्छा लगेगा। सॉल्ट ऐड करूंगी, अभी ये अनियन एंड टमाटो का मिक्सचर पूरा ठंडा हो गया, मैं आप देख सकते हो पूरा मैं इसे टच कर पा रही हूँ, एकदम ठंडा हो गई है, और ये भी अच्छे से हो गया, इसमें बबल्स क्रिएट हो गए तो एकदम पक गया है, मतलब हो गया है, फर्मेंटेड हो गया एकदम अच्छे से। अभी मैं इसको धीरे धीरे ऐड कर दूंगी।
इसको थोड़ा मेल्ट करके मैं एकदम थोड़ा सा घी लेके इसको पहले थोड़ा ग्रीस कर लूंगी। ऐसे थोड़ा स्प्रिंकल कर लूंगी घी को। आपको एक एक ऐसे स्पून लेना है, एकदम सेंटर में फोल्ड करते रहना है। इसको ऐसे स्प्रेड कर देना पूरा सर्कल सर्कल करके। टॉपिंग में थोड़ा सा रॉ अनियन, टमेटोज, ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, अभी इसको कम से कम 5 मिनट लगेगा ईच साइड को पकने में, तो मैं अभी इसको थोड़ा छोड़ दूंगी ऐसे ही। अब देख लो ऐसे फूल रहा है ये थोड़ा थोड़ा करके। जब इसके ऊपर एकदम छोटे छोटे पोर्स हो जाएंगे तब मैं घी ऐड करूंगी। आपको ऐसे टर्न कर लेना है इसको धीरे से। अभी फिर से इसको 3 मिनट छोड़ देना है इस साइड को कुक होने के लिए, लेकिन चिपकने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसको एकदम स्लो कुक होगा ये। ডিসেম্বর রবিবার বিকেল 4টে জলসা মুভিজ এইচডিতে মোটা বাজেট 8.5টার ভেতর ডান্স পাবো কি পাবো না পচা মাংস প্রত্যেক দিন খাবার চাই লোক না আলাদ প্যাটি আর মাংস শুকাইয়া তবে অফিস যাও এই স্কুলিতে মহা হয় রানী এতটি ভালো লাগছে না যেখান থেকে উঠে যাও ঘর বানালে और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत बढ़िया कोई ना।